हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सब देख सकते हैं, आज हमारे पास है ये पंजाब एंड सिंध बैंक का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म। इस फॉर्म को इस्तेमाल करके है जो कि आप अपने अकाउंट है जो कि पंजाब एंड सिंध बैंक में खुलवा सकते हैं। तो आज की इस पूरी वीडियो में मैं आप सभी को समझाने वाला हूँ कि आप इस फॉर्म को है जो कि कैसे भरेंगे, साथ ही साथ में है जो कि इस बैंक के साथ है जो कि आप फैसिलिटी को है जो कि कैसे ले सकते हैं, जैसे कि एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, चेकबुक और भी कई सारी सर्विसेज है जो कि आप ले सकते हैं। और इसके साथ है जो कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट है जो कि अकाउंट ओपनिंग के समय बैंक में जमा कराने पड़ेंगे उसकी भी जानकारी दूंगा, और कितने समय में है जो कि आपका अकाउंट प्रॉपर ओपन हो जाएगा और एटीएम वगैरह कब तक आ जाएगा वो सब भी बता दूंगा आपको। तो इस वीडियो को अगर इससे लाइक नहीं करें तो लाइक कर दीजिए और अपने इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेशनल वीडियोस हम इस चैनल पे लाते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है ये आपको है जो कि आपके पंजाब एंड सिंध बैंक के ब्रांच में से ही मिल जाएगी। आप वहाँ से जो कि जाके बोलेंगे अकाउंट ओपनिंग फॉर्म चाहिए तो वहाँ से जो कि आपको ये वाला फॉर्म मिल जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे होंगे, सबसे पहला जो आपको ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलता है ये होता है अपना ब्रांच नेम। ब्रांच नेम का मतलब फ्रेंड्स, यहाँ पर जिस भी आप शाखा में खुलवा रहे हैं वो जहाँ पर है उसका नाम आपको यहाँ पे भरना होगा। अगर आपको ये प्रॉपर ना पता हो तो आप इसको खाली छोड़ दें, इसको ना भरें। और यहाँ पे ब्रांच कोड में आपको कुछ भी नहीं भरना है क्योंकि ये सिर्फ ब्रांच के लोगों को ही पता होता है। तो ये दोनों आप चाहो तो खाली छोड़ सकते हो या फिर आप ब्रांच नेम पता हो तो भर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर डेट भरनी होगी। डेट आपको वो भरनी है जिस डेट को है जो कि आप फॉर्म को जो कि बैंक में सबमिट करा देंगे सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ, वही है जो कि आपको यहाँ पर डेट भरनी होगी। पहले डे भरना होगा, फिर मंथ और फिर ईयर, इस तरीके से आप जो कि इसे भर देंगे। उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं आपको कस्टमर आईडी में कुछ भी नहीं भरना, अकाउंट नंबर में भी कुछ भी नहीं भरना है। और उसके बाद सीधा आप नीचे आ जाएंगे, यहाँ पर देखिए अकाउंट टाइप। तो यहाँ पर है जो कि अकाउंट टाइप में आपको यहाँ पर नॉर्मल वाले पे है जो कि टिक लगा देना होगा। इस तरीके से टिक आप यहाँ पर लगा देते हो, उसके बाद आपका यहाँ से प्रोसेस पूरा स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे पर्सनल डिटेल्स। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए आपको अपना नेम भरना होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आप प्रीफिक्स लगा देंगे अपने नेम के आगे, जो भी आप मिस्टर वगैरह लगाते हैं वो आप यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर जो कि आपको फर्स्ट नेम लिख देना होगा, फिर यहाँ पे मिडिल नेम लिख देना होगा और लास्ट नेम लिख देना होगा। किसी का मिडिल नेम ना हो तो यहाँ पर सिर्फ वो अपना नाम लिख देगा और लास्ट नेम लिख देगा। और जिसका सिर्फ सिंगल नाम हो, जैसे किसी का नाम केवल राहुल हो, किसी का नाम केवल दीपक हो, तो वो यहाँ पर बस अपना नाम लिख के छोड़ देगा। और उसके बाद है जो कि आपको यहाँ पर जो कि डेट ऑफ बर्थ भर देनी होगी। यहाँ पर देखिए आपको डेट ऑफ बर्थ अपनी भर देंगे आप। उसके बाद यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, आप मेल है या फीमेल है वो आपको जो कि यहाँ पर टिक कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है आपसे मैरिटल स्टेटस, यानी कि आपकी वैवाहिक स्थिति। तो यहाँ पर शादीशुदा है तो मैरिड पे, वरना अनमैरिड पे टिक कर दें इस तरीके से। और उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको जो कि अपना मदर्स नेम डालना होगा यहाँ पर, या फादर्स नेम। अगर आप पैन कार्ड दे रहे हैं तो आपको जो कि प्रोवाइड करना होगा अपना फादर्स नेम। तो यहाँ पर है जो कि आपको अपना फादर का प्रीफिक्स लगा देना होगा, फिर यहाँ पे अपने पिताजी का जो कि फादर का नाम एंटर कर देना होगा। और उसके बाद है जो कि आपको यहाँ पर आ जाना होगा, ये जो केस देख रहे हैं हम ये उस व्यक्ति को भरना है। अगर कोई व्यक्ति है जो कि 18 साल से कम उम्र का है और वो अपना माइनर अकाउंट ओपन कर रहा है, तो उस स्थिति में जो कि यहाँ पर उसको जो कि किसी एक गार्डन को जो कि अपना बनाना होगा हेड, तभी वो जो कि उसका अकाउंट खुल पाएगा। तो यहाँ पर हम माइनर अकाउंट नहीं खोल रहे तो हम इसको जो कि स्किप कर रहे हैं। आपको जो कि इसे भरना होगा अगर आप माइनर अकाउंट ओपनिंग कर रहे हैं तो। उसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको नेशनलिटी अपनी इंडियन सेलेक्ट कर लेनी होगी और कंट्री का नाम में है जो कि आपको इंडिया डाल देना होगा। ऑक्यूपेशन टाइप पूछ रहा है कि आप किस टाइप का ऑक्यूपेशन करते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे। आप जिस भी तरीके का ऑक्यूपेशन करते हो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर ले हुए। और उसके बाद है जो कि आप यहाँ पर आएंगे मंथली इनकम। मंथली इनकम पूछ रहा है यानी कि आप महीना का कितनी इनकम है जो कि कर लेते हैं, तो आप जितनी इनकम कर लेते हो उतना है जो कि अमाउंट यहाँ पर भर देंगे। अब यहाँ पर पूछ रहे हैं नेटवर्थ कितनी है आपकी, तो जितनी नेटवर्थ हो उतनी भरें यहाँ पर। और फिर यहाँ आ जाएंगे आप डायरेक्ट रिलीजन। रिलीजन यानी कि कास्ट, किस कास्ट से आप बिलोंग करते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख किस धर्म से। तो आपको जो कि यहाँ पर है जो कि टिक लगा देना होगा। और उसके बाद कैटेगरी पूछ रहा है, उसमें आप जनरल ओबीसी एसटी जो भी आप बिलोंग करते हो वो आप यहाँ पर टिक कर देंगे। और यहाँ पर पूछ रहा है पर्सन विद डिसेबिलिटी, मतलब आप किसी प्रकार के डिसेबिलिटी पर्सन तो नहीं है, जैसे कई लोग होते हैं जिनका हाथ पांव नहीं होते या फिर और कुछ दिक्कत होती है, तो वो यहाँ पर यस कर सकते हैं, वरना आपको जो कि नो ही रहन देना होगा। और उसके बाद यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपको जो कि यहाँ पर अपनी एजुकेशन बता देनी होगी, आप कितने पढ़े लिखे हैं, आप बिलो एससी एसटी सारे ऑप्शन है जो कि आपको देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। मैं यहाँ पे ग्रेजुएट पे टिक कर देता हूँ। उसके बाद है जो कि आपको है जो कि यहाँ पर आ जाना होगा नीचे की तरफ,
देखिए आप यहाँ पे आते हैं तो इससे आपसे पूछ रहे हैं अगर आप जो कि पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन है तो यहाँ पर टिक कर सकते हैं, और रिलेटेड टू पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन से भी है तो भी आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं, वरना इसे खाली छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पर है जो कि आपको सिटी ऑफ बर्थ भर देना है, किस सिटी में जो कि आपका जन्म हुआ है, और उसके बाद यहाँ पर आप आ जाएंगे, इसको जो कि आपको येस कर देना होगा। और यहाँ पर है जो कि आपको अपना पैन कार्ड का नंबर एंटर कर देना होगा, ये जो आप देख रहे हैं जो भी आपके पैन कार्ड पर 10 डिजिट का आपका नंबर हो वो आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। उसके बाद नीचे आ जाएंगे आप, यहाँ पे देखिए कॉन्टैक्ट डिटेल्स, तो यहाँ पर जो कि आपको अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल डालनी होगी। यहाँ पर सबसे पहले तो आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना होगा, 10 डिजिट का जो भी आपका मोबाइल नंबर आप बैंक में लिंक करवाना चाहते हैं वही नंबर यहाँ पर एंटर करें। अल्टरनेट नंबर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, वरना कोई मैंडेटरी नहीं है। यहाँ पर आपको ईमेल आईडी भरनी होगी, ईमेल आईडी भरना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों, क्योंकि अगर आप मोबाइल बैंकिंग इंटरनेट बैंकिंग लेंगे तो मोबाइल बैंकिंग मतलब ईमेल आईडी आपका लिंक होना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नीचे आ जाएंगे आप, यहाँ पर देखिए प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, मतलब पूछ रहा है आप जो कि अपनी प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में क्या देना चाहते हैं, तो यहाँ पर देखिए आप पासपोर्ट दे सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, आधार कार्ड दे सकते हैं, तो आप जो भी यहाँ पर टिक देना चाहते हैं उसको यहाँ पर जो कि टिक लगा देंगे। तो जैसे कि हमने यहाँ पर टिक लगा दिया आधार कार्ड के ऑप्शन पर, देंगे आप डॉक्यूमेंट का आपको नंबर भर देना होगा, यानी कि आधार कार्ड सेलेक्ट कराए तो आधार नंबर भर देंगे यहाँ पर। और ये इसमें जो कि आपको ये सब भरने की कोई ज़रूरत नहीं है, इशू डेट वगैरह एक्सपायरी, क्योंकि ये जो कि आधार कार्ड की कोई एक्सपायरी वगैरह नहीं होती है, ये उस स्थिति में भर रहा है जो कोई ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह देगा तो उसको ये सीधे भरना है, आपको नहीं भरना होगा। अब सीधा आप टर्न ओवर करके नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। नेक्स्ट पेज पे जैसे ही आप आते हैं यहाँ पर देखेंगे आपको जो कि एड्रेस टाइप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना होगा, आपका रेजिडेंटल एड्रेस है, कैसा एड्रेस है, और उसके बाद यहाँ पे टिक लगा देंगे आप जो कि आपको एड्रेस अपना प्रॉपर है जो कि भर देना होगा। यहाँ पे हाउस नंबर, आपने कॉलोनी वगैरह का नाम, सिटी भर देंगे, विलेज है तो विलेज भर देंगे, डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिले का नाम भर देंगे, उसके बाद स्टेट और पिन कोड है जो कि अपना भर देंगे। उसके बाद यहाँ पर है जो कि आपको अपना जो कि कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस देना होगा, अगर सेम है आपका करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस तो आपको इसको टिक कर देना होगा, और जो कि आपको यहाँ पर एड्रेस भर देना होगा अपना। उसके बाद है जो कि आपको प्रूफ ऑफ एड्रेस में आप क्या देना चाहते हैं, बिजली का बिल या फिर PPF हो, प्रॉपर्टी का कोई म्यूनसिपल का टैक्स रिसिप्ट हो तो वो आप यहाँ पे दे सकते हैं, आपको यहाँ पे नंबर भर देना होगा। उसके बाद नीचे आप आएंगे यहाँ पर देखेंगे तो आप यहाँ पर आपको एक डिक्लेरेशन दिखता है, इसको जो कि आपको पढ़ लेना होगा, यहाँ पर जो कि आपको टिक लगा देना होगा। उसके बाद है जो कि आपको यहाँ पर अपनी एक पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो चिपका लेनी है, ध्यान रखिएगा फ़ोटो आपकी ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, 1-2 साल पुरानी होगी तो चलेगी, पर कई कई लोग ऐसे होते हैं बहुत सारी पुरानी फ़ोटो रखते हैं वो दे देते हैं, तो आपको रिसेंटली खींची हुई फ़ोटो देनी है। यहाँ पर आपको सिग्नेचर कर देना है, और जो व्यक्ति सिग्नेचर ना कर सकते हो अपने अंगूठे का यहाँ पर निशान लगा देंगे फिंगरप्रिंट का, वरना यहाँ पर आपको जो कि अपना साइन कर देना होगा। साइन करने के बाद आप यहाँ पे आएंगे, आपको अपनी प्लेस भर देनी होगी जहाँ से आप अप्लाई कर रहे हैं, उसके बाद डेट भर देनी होगी यहाँ पर, फिर नीचे की तरफ आप आ जाएंगे, इसमें जो कि आपको कुछ भी नहीं भरना होगा, ये जो कि ऑफिस यूज़ का है। अब जो कि आपको सिंपली पेज टर्न ओवर करना है, नेक्स्ट पेज पे आपको आ जाना होगा। नेक्स्ट पेज पे आप आते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको सबसे पहले तो डेट भर देनी होगी अपनी, और ये तीनों चीज़ें जो कि आपको खाली छोड़ देनी है, सीधा आपको यहाँ पर आ जाना है। अकाउंट टाइप, किस टाइप का अकाउंट आप खोलना चाहते हैं पंजाब एंड सिंध बैंक में, तो यहाँ पे से आपको सेलेक्ट कर लेना है जिस भी टाइप का आप अपना अकाउंट ओपन करना चाह रहे हैं। हम यहाँ पर है जो कि सेविंग अकाउंट को है जो कि ओपन करेंगे। यहाँ पर पूछ रहा है मोड ऑफ ऑपरेशन, किस कारण से आप जो कि इस बैंक खाते को खोल रहे हैं, तो हम जो कि अपने सेल्फ इस्तेमाल के लिए खोल रहे हैं, तो यहाँ पे सेल्फ के ऊपर है जो कि टिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए सर्विस रिक्वायर्ड, तो यहाँ आता है मेन पॉइंट, जिसको भी डेबिट कार्ड वगैरह की सर्विस लेनी हो यहाँ पर है जो कि वो यहाँ पर यस करेगा, और यहाँ पर है जो कि अपना कैपिटल लेटर में अपना नाम भर देगा जो कि उसको डेबिट कार्ड पर अपना प्रिंट कराना हो, जिसको ना चाहिए वो यहाँ पर नो कर सकता है या फिर खाली छोड़ सकता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए चेकबुक आपको चाहिए तो यस कर देंगे, SMS अलर्ट में भी यस कर देंगे, तो ये सारी सर्विसेज आप लेना चाहते हो तो यस है जो कि आपको कर देना होगा। हमको लेनी है तो हम यहाँ पे यस टिक लगा देते हैं सब पे, और यहाँ पर पूछ रहा है क्या आप जो कि स्टेटमेंट वगैरह लेना चाहते हो तो रिक्वायर्ड पे आप टिक कर देंगे। अब जो कि आपको नीचे आ जाना होगा, नीचे की तरफ आप देख रहे होंगे यहाँ पर देखिए, अगर कोई फिक्स डिपॉजिट वगैरह कर रहा है तो उसके लिए ये चीज़ होती है, आपको इसे जो कि खाली छोड़ देनी होगी, और ये सब चीज़ें है जो कि आप खाली छोड़ देंगे, ये इसमें है जो कि आपको कुछ भी नहीं भरना होगा, ये पूरे में आपको सिंपली है जो कि पेज अप टर्न ओवर करना होगा। तो इस वाले पेज पे जो कि आपको यहाँ पर देखिए नॉमिनेशन डिटेल्स ऐड करनी होगी, यानी कि आपको अपने खाते में अपना एक नॉमिनी ऐड करना होगा, तो यहाँ पर आप नॉमिनी ऐड करने के लिए यहाँ पर अपना नाम लिख देंगे, और जो कि आपको यहाँ पर यस कर देना होगा अगर आप प्रिंट कराना चाहते हैं, यानी कि जो भी आप नॉमिनी बनाएंगे उसका नाम है जो कि आप प्रिंट कराना चाहते हैं अपने पासबुक पर, तो यहाँ पर टिक लगा देना होगा। उसके बाद है जो कि आप यहाँ पर आ जाएंगे, डिटेल्स भर देनी है नॉमिनी की, यहाँ पर नॉमिनी का नाम आ जाएगा और मोबाइल नंबर भर देंगे यहाँ पे नॉमिनी का जो भी मोबाइल नंबर हो,
और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर भर देंगे आप नॉमिनी की, अगर नॉमिनी माइनर हो जब भी आपको जो कि डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर भरनी होगी, वरना आप इसे खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद है जो कि रिलेशन विद डिपोजिटर, तो रिलेशनशिप क्या है वो आप यहाँ पे भर देंगे, जो भी रिलेशन हो मदर फादर वो आप भर देंगे, और एज यहाँ पे भर देंगे ईयर्स में कि उनकी एज कितनी है। और फिर है जो कि आपको यहाँ पर है जो कि यहाँ पर नाम लिख देना होगा और यहाँ पे एड्रेस भर देना होगा, और नॉमिनी का है जो कि यहाँ पे सिग्नेचर हो जाएगा, जो भी यहाँ पे नॉमिनी हो उसका सिग्नेचर। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे विटनेस, तो आप किसी भी दो व्यक्ति का यहाँ पे नाम और एड्रेस लिख सकते हैं जो भी आपकी जान पहचान में हो। ये ऐसा नहीं है कि उनका अकाउंट ही होना चाहिए, आप किसी को भी विटनेस बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद आप सीधा नीचे आ जाएंगे, इस टर्म एंड कंडीशन को जो कि आप पढ़ लेंगे। यहाँ पर आप प्लेस भर देंगे अपना जहाँ से अप्लाई कर रहे हैं, डेट भर देंगे, और जो कि यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर कर देना होगा। यहाँ पर सिग्नेचर करने के बाद इस पेज का भी काम पूरा हो गया, नेक्स्ट पेज पे आपको आ जाना होगा। नेक्स्ट पेज पे आप आते हो जैसी, तो यहाँ पर है जो कि आपको टर्म एंड कंडीशन देखने को मिलेगी, और इस पेज पे आप पढ़ लेंगे पूरा, और इसे भी आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। और उसके बाद है जो कि आपका काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, फॉर्म भरने का आपका काम कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं आप जो कि इसके साथ क्या डॉक्यूमेंट ऐड करेंगे। तो डॉक्यूमेंट है जो कि आपको यहाँ पर है जो कि अपना आधार कार्ड ऐड करना होगा, आधार कार्ड की फोटोकॉपी, पैन कार्ड की फोटोकॉपी आपके साथ आपको जो कि इसके साथ ऐड करनी होगी, और साथ ही साथ जो भी आपने है जो कि पीछे मतलब आपने एड्रेस प्रूफ के लिए जो कि यूटिलिटी बिल या फिर जो भी बिल आपने सेलेक्ट करा होगा वो जो कि आपको प्रिंट आउट है जो कि इसके साथ है जो कि अटैच करना होगा। ये तीन चार चीज़ें जो कि आपको अटैच करनी होगी, फ़ोटो अपनी आपको चिपका लेनी है, और उसके बाद है जो कि आपको डॉक्यूमेंट सीधा है जो कि बैंक में सबमिट करा देना है। 7 दिन के अंदर है जो कि आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा पूरी तरीके से, और उसके बाद है जो कि वो लोग आपको चेकबुक और पासबुक की जो कि वेलकम किट है वो डिस्पैच कर देंगे, बाय पोस्ट आपके एड्रेस पे आ जाएगी। लगभग 15 दिन का समय लगता है उस प्रोसेस को होने में, तो आपका इतने समय में है जो कि प्रॉपर अकाउंट ओपन हो जाएगा। और आपका जब ये अकाउंट खुल जाता है, अगर आप नेट बैंकिंग मोबाइल बैंकिंग वगैरह चालू करना चाहते हैं तो आप हमारी अदर वीडियोज़ देख सकते हैं, हमने पहले ही डेडिकेटेड वीडियोज़ है जो कि इन टॉपिक्स के ऊपर बना रखी है। तो आशा करता हूँ आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। आज की इस वीडियो में इतनी जानकारी थी, मिलेंगे किसी और नए वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।